राम राम साह, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं रघु राही और आपने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने अर्थ बैग होम यानी कि मिट्टी और कट्टे के मकान का फाउंडेशन रेडी कर लिया था और अब हम करेंगे प्लिंथ की शुरुआत। प्लिंथ यानी कि ठोकर यानी कि फाउंडेशन से ऊपर एक स्टोन की दीवार जिसके ऊपर बनेगी हमारी अर्थ बैग वॉल यानी कि मिट्टी की दीवार। ठोकर जमीन से 2.5 फुट ऊपर और 18 इंच चौड़ी होगी। हम इसके लिए स्टोन्स और क्ले एज अ मॉर्टर यूज करेंगे। कुछ लोग सीमेंट या चूना भी एज अ मॉर्टर यूज करते हैं। क्ले यानी कि चिकनी मिट्टी जिसे राजस्थान में पीड़ी कहा जाता है, इसे सदियों से घर बनाने के लिए यूज किया जा रहा है। आज भी कई मकान पीड़ी में चीने जाते हैं राजस्थान में। ठोकर का काम शुरू करने से पहले मुझे पानी स्टोर करने का इंतजाम करना पड़ेगा। राजस्थान में पानी स्टोर करने का एक बहुत ही सरल और सस्ता तरीका है पाउंडी, यानी कि जमीन में ही खड्डा खोद के उसमें प्लास्टिक की शीट डालकर पानी स्टोर किया जाता है। और क्योंकि यहाँ की जमीन रेतीली है तो गड्ढा खोदना काफी ईजी होता है। तो अब तक ये इतना खोद दिया है मैंने और मेरे छोटे मददगार ने, इसका नाम है गिरधारी। तो ये बन गया हमारा पानी रखने के लिए, स्टोर करने के लिए, पानी स्टोर करने के लिए खड्डा हो गया है। अभी इसके अंदर तिरपाल बिछा देंगे, फिर ट्यूबवेल का जो पाइप है वो पाइप लेके इसके अंदर पानी डाल देंगे तो हमारा अच्छा खासा पानी स्टोर हो जाएगा। ठोकर यानी कि प्लिंथ बनाने के पीछे कई कारण हैं। हमारे गांव में खारा पानी है यानी कि सॉल्टी वाटर, और उसके कारण दीवार सीलन पकड़ के गलने लग जाती है। अगर आप अपनी दीवार को थोड़ी सी हाइट देकर बनाएं तो फिर आप बरसात और खारे पानी से उसे बचा सकते हैं। बस इसीलिए मैं भी मेरी दीवार को जमीन से 2.5 फुट ऊंची स्टोन की दीवार पे बनाऊंगा। आसपास में जो ताल होती है जहाँ पे पानी भरता है वहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है, तो इसका क्ले कंटेंट काफ़ी अच्छा है, इसमें चिपचिपाहट बहुत अच्छी है। तो जब इसमें से पानी डलता है तो फिर ये इस तरह से चिपचिपा हो जाता है एंड देन उसको डायरेक्टली आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और सैंड में काफ़ी डिफरेंस है, ये है सैंड। सैंड में अगर तुम गीला भी करो तो इसके अंदर आप तुम मकान चिना ही नहीं कर सकते हो। तो ये सैंड हो गया और ये पीली हो गई। ये जो स्टोन्स है, ये जो पत्थर है, ऐसे यहाँ पे पहले बड़े बड़े पत्थर साइड में लगते हैं और बीच में ये छोटे छोटे पत्थर है वो लगते हैं। सो इसके अंदर ना ही सीमेंट लग रहा है और ना ही कोई केमिकल चीज़ लग रही है, इट्स ऑल कम्प्लीटली नेचुरल। तो ईजिली यहाँ पर जितने भी लोग हैं मकान वो सीधा इसी से बनाते हैं। तो ये नारायण सिंह है, इनका अभी नया नया मकान बना है, इन्होंने पूरा चिनाई जो है सीमेंट बजरी से किया नहीं किया है, इन्होंने ईंटों से और पीली से किया है। तो मन बता नारायण कि आपने पीली मकान बना हुआ है तो अभी मैं कोई पड़वा को खतरा कौन है, अभी मैं चिनाई करे देना, चिनाई पीली में करे देना, कोई प्रॉब्लम हुआ है कि कोई प्रॉब्लम कौन है? अब बिल्कुल आपने माटी नाली कर मजबूत हुआ, कोई प्रॉब्लम कौन है? हाँ एकदम मजबूत हुआ, सीमेंट ज्यादा मजबूत है, सीमेंट ज्यादा मजबूत है और पीली कम है, पीली कम की है, पीली तो पता कम ही है रेत है तो। हाँ सीमेंट की उठ गया और मन यहाँ लगा कि सीमेंट की ना जी 50-60 साल बाद में 70 साल बाद में पस वो खराब हो बला जब लाइफ आती है, पर माटी की तो लाइफ तो कहीं बिगड़े है काई बिगड़ने 100 साल की कौन बिगड़े जना, पर ज्यादा मजबूत ही हुई सीमेंट मजबूत क्यों हुई जना, आ पानी खराब हो ना सीमेंट पानी खराब हो जाए, पानी खराब हो जाए। ये कृष्णा मामा जी है, ये मेरा घर देखने के लिए आए हैं कि ये मकान कैसे बन रहा है। ये मुझे बता रहे हैं कि गांव के लोग मेरे इस अर्थ बैग होम के बारे में क्या सोचते हैं। गांव वालों में बहुत चर्चा है इस मकान को लेकर, जब से उन्हें पता चला है कि गांव में कट्टों से भरी रेत का मकान बनेगा तब से वो लोग अनुमान लगा रहे हैं कि ये सक्सेसफुल होगा या नहीं। जिनमें से कई लोग ऐसा मानते हैं कि मैं पागल हो गया हूं और मेरा ये जो आइडिया है
वो फेल हो जाएगा। गांव वाला तो पागल बताओ, पागल बताओ पूरी बात बताओ कि कहीं हुए बात बरसात हुई ना। हाँ बीज जुड़ गई यही आ गए गेट रही किया जंगला रही किया पलस्तर एकदम सही खत्म माल आ गई रेत और पीली ओनी मिक्स कर आंतरा मिलाया पर शेरमट बजरी की काटी जाना जे काटी दे और पत बिन भुरकलो बनाए पस भी कट्टे में घाल पस एक मुफड़ बनानो पड़े मोटो सारो ऊपर ठोकन वालो कट्टे ने एक नाज को भरीज पस भी सातो ठोकनो पड़े जत्ता के बाटे भर को कट्टे को की कोन मिल जब पस कट्टो चीनी जी भी कट्टे के बारो और कांटो तार आ ये बणियो ये समंदर के मैं किनारे नागदा कट्टा पानी आगा ना तो ना कट्टा तेरे तो पुल क्या बनाई नहीं था कि अनबस पानी आगे वो ना भर भर माटी का कट्टा ना आगे कट्टा वैसा मजबूत रहे हुए पर एक टुकड़ा डिग्गा बना था तो पानी दार ठेठ ना ऊपर चढ़ा बना था ना थे था ध्यान है ना जन बस बस भी यहाँ पर बना और एक कट्टा दो दो हिसाब का बने एक तो आप सीमेंट वाला कट्टा हुआ है ना बहुम भी बना सको थे और आपने ये बोरी वाला हुआ है ना बोरी ब्यूम भी बना सको थे क्या नारायण सिंह कितना फुट हो गया ये एक फुट दो फुट दो फुट दो फुट दो फुट ऊपर आ गया ये आया करे एक फुट अंदर की बात करूं एक फुट जमीन के अंदर है एक फुट जमीन के ऊपर एक फुट जमीन के ऊपर है दो फुट अब रीबाग आप लोगों दो फीट और आएगा फिर जमीन के ऊपर तीन फुट हो जाएगा एक फीट अंदर चला गया जमीन के ऊपर तीन फुट करें या दो फुट करें तीन फुट तीन फुट क्यों क्यों पोकर तीन फुट की होगी जमीन का क्यों क्यों मकान ऐसे छोटा नहीं रहेगा क्या हाइट छोटी कम नहीं रहेगी क्या हाइट ज्यादा नहीं करनी है क्या। अर्थ बैग होम में डोर फ्रेम्स और विंडो फ्रेम्स दीवार बनाते वक्त ही लगाते हैं। कई मकानों के अंदर दीवार बनने के बाद में उसके फ्रेम्स लगते हैं, लेकिन अगर आप अर्थ बैग बना रहे हो तो उसके अंदर फ्रेम्स पहले से ही लगा दें तो वो बेटर रहता है। इसलिए हमने ट्रैक्टर से ये स्टोन फ्रेम्स लाए हैं जो कि हम इस प्लिंथ में ही दरवाजे का फ्रेम डालने के लिए यूज़ करेंगे। ये है बार्ब्ड वायर यानी कि कांटों की तार। इसका यूज़ मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। हमारे गांव में एक बहुत अच्छी बात यह है कि जब ऐसे भारी भरकम स्टोन्स हम लोग जब लेके आते हैं तो गांव वाले खुद से आके उन्हें उतारने के लिए या फिर रखने के लिए हेल्प करते हैं। तो गांव वालों की मदद से हमने ये भारी भरकम स्टोन फ्रेम्स ट्रैक्टर से नीचे उतारे। इन स्टोन फ्रेम्स को राजस्थान में कातला कहा जाता है।